हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्स के द्वारा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को द्वारा रिलीज किया गया है। तो ऑब्वियसली मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट ही अप्लाई कर पाएंगे, बट इसके अलावा जो इंजीनियर्स हैं या जो फिर आपका अकाउंटेंट है या फिर लाइक आर्ट के कैंडिडेट हैं या टेक्नीशियन है, उनके लिए वैकेंसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है। आपको सिंपली ई एजुकेशन का प्लेलिस्ट जाएंगे, इस वीडियो के अलावा जो दूसरी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आप उसमें देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसी सभी प्रोफाइल के लिए अवेलेबल है, वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एम्स से रिलेटेड प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, हॉस्पिटल सर्विस प्रोफाइल, डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल सर्विस के लिए प्रोफाइल होता है, उसके लिए डेंटल के लिए। तो वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें, राइट। और 78,540 रुपये स्टार्टिंग सैलरी होगा, प्लस अदर अलाउंसेस यू विल गेट। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं इसमें। और डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहे, राइट सर। तो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली तीन इसका नोटिफिकेशन, तीन डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले जो है यहाँ पे देखिए, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ नॉन एकेडमिक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस ये वाला है, बट इसकी इसमें जो है वैकेंसी देखिए आपका 30 जो है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कट अप और सेकेंड कट अप का डेट दिया गया है। हॉस्पिटल सर्विस के लिए है, प्रोफेसर के लिए अलग वो है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एडिशनल एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हॉस्पिटल सर्विस, इसमें 34 वैकेंसी है। इसके अलावा भी एक और नोटिफिकेशन है, उसमें भी हॉस्पिटल सर्विस की वैकेंसी है। तो इसमें देखिए, और डेंटिस्ट्री में जो है 2 वैकेंसी है, राइट। तो ये है, उसके बाद इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS या BDS मांगा है इसमें, राइट। और जो है ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होने चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर 56,100, ये बेसिक है, ये इसके अलावा बहुत कुछ मिलने वाला है। उसके बाद टेन्योर जो है इसका, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, 6 मंथ का जो है आपका ये होगा, एंड देन फिर 6 मंथ के लिए रिन्यू करता जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अपर 30 साल मैक्सिमम एज दिया गया है। SC ST को 5 ईयर जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एंड OBC को 3 ईयर, ठीक है। ये चीज़ें हैं इसमें जो, अगर रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू होगा, लाइक इसमें सिर्फ इंटरव्यू ही होगा, अगर ज़्यादा एप्लीकेंट आते हैं देन फिर इंटरव्यू होगा लाइक एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। एप्लीकेशन फ़ी जो है, जो डिसेबल पर्सन है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। जनरल OBC के लिए 1,000 रुपीज़, इकोनॉमिक सेक्शन SC ST को 800 रुपीज़, राइट। तो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है एम्स भोपाल के नाम से, राइट। तो आपको ये जो है अप्लाई कर लेना है, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, ठीक है। सो ये चीज़ें होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपको ऑनलाइन फील्ड में चाहिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है, राइट। तो ये चीज़ें होगी। उसके बाद जो है दूसरा जो है वो फ्रेंड्स जो है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जिसमें कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, वो था आपका कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल, जिसमें कि यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल सर्विस के लिए 17, उसमें कितना था, 39 था, राइट। इसमें 17 और वैकेंसी है, दोनों में आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है MBBS मांगा है डिग्री, राइट, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। पे स्केल सेम रहेगा, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेम ऑल दिस थिंग रहेंगे, राइट फ्रेंड्स। सो इसमें आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। और अब एडिशनल प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की बात करें तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो है आपको मोस्ट प्रॉब्ली इंटरव्यू ही होगा, राइट, ये भोपाल में। और इसका लास्ट डेट है 30 मई, अप्लाई करने का 30 मई लास्ट डेट है। कट ऑफ डेट जो है, फर्स्ट कट ऑफ डेट ये जो है 30 मई को निकल जाएगा, राइट, जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड सेकंड जो है 30 जो है आपका सेप्टेम्बर को, अगर खाली रहा तो, ठीक है। अब हम देखिए एम्स का जो है, एम्स भोपाल .edu.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोफेसर का देखते हैं फ्रेंड्स। सो ये देखिए, ये प्रोफेसर का है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भोपाल, यहाँ पे रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। प्रोफेसर के लिए 29 वैकेंसी है, एडिशनल प्रोफेसर के लिए 14 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 28 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है 29 वैकेंसी है। टोटल 100 वैकेंसी है ये फैकल्टी के लिए। नॉन फैकल्टी के लिए आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रार के लिए 12 टोटल कितनी वैकेंसी है, इसमें 1 वैकेंसी है।
डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के लिए 5 वैकेंसी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है, मेडिकल फिजिसिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, अकाउंट ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है, ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए 33 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी है, लास्ट डेट है इसका 13 जून अप्लाई करने का, तो 13 जून तक जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट। तो इसका भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेम होगा, इंटरव्यू होगा मोस्ट प्रॉब्ली, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा आते हैं देन फिर जाके आपका इसमें क्या होगा, रिटेन एग्जामिनेशन फॉर इलिमिनेशन प्रोसेस, राइट फ्रेंड्स। सो गुड लक, इसका ब्रीफ डिस्कशन आपको मिल जाएगा अपकमिंग डेज में। सो आप अप्लाई कीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर पे भी ज्वाइन मुझे कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।